हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, यहाँ पर थंबनेल देख के समझ चुका हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस, क्या आपके पास भी रेडमी का A3 डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी रेडमी का A3 डिवाइस है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम हो रही है, हमारे डिवाइस से काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज होने लगा है, कैसे ठीक करें। तो गाइस, यहाँ पर मैं इस फोन को 100% फिक्स कराऊँ, उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, देन यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर पर देने की कोशिश करता हूँ। वैसे यहाँ पर आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा मोबाइल जितना ओल्ड होता जा रहा है, चार्जिंग स्पीड उतनी डाउन होती जा रही है, कैसे ठीक करें। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट कर लिया है, अपडेट आया था हमारे डिवाइस में, हमने अपडेट किया है, तब से स्लो चार्ज होने लगा है, कैसे ठीक करें। तो कैसे यहाँ पर आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। किसी किसी भाई का सवाल है भाई जब से गर्मी का टाइम आया है ऑटोमेटिकली स्लो चार्ज होने लगा है, क्यों होने लगा है, क्या करें। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको एक से हैवी सेटिंग बताने वाला हूँ, जिससे आपके डिवाइस की चार्जिंग स्पीड काफ़ी इंक्रीज एंड काफ़ी फास्ट हो जाएगी, जैसे आपने मोबाइल को नया परचेस किया था। वैसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपका डिवाइस है वो 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, एंड आपके डिवाइस में जो बॉक्स है उसमें भी 10 वॉट का ही चार्ज आया था, तो पहली बात तो स्लो होगा। दूसरी बात, सभी भाई का सवाल है, नया आया था तब फास्ट हो रहा था, अब बहुत ज़्यादा स्लो होने लगा है। तो सबसे पहली बात आपको करना है, कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, आपका लोकेशन, इनमें से कोई भी चीज़ ऑन रहती है आपके डिवाइस में। हो सकता है ये तीनों चीज़ें ऑन रहती हूँ या दो या एक, तो हमेशा आपको इन तीनों चीज़ को ऑफ करके रखना है। इनकी प्रोग्रेस हाई रहती है जिससे आपकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हमेशा आपको इन तीनों चीज़ को ऑफ करना है, ये ऑटोमेटिक होने जाते हैं। जैसे आप किसी की परमिशन देते हैं तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ऐसे ही आपका वाईफाई, ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। एंड कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल को चार्ज पे लगा के डाटा को ऑन करके मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं, उस कंडीशन में आपका डिवाइस चार्ज नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, क्योंकि मोबाइल का डाटा ऑन होने से आपका मोबाइल ऑनलाइन मोड में आ जाता है और सारे दिन सारी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आपका मोबाइल चार्ज होगा उतना ही ड्रेन होता जाएगा, क्योंकि आपका मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन मोड में रहने लगता है। तो हमेशा आपको डाटा ऑफ करके मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। अगर आपको अपने डिवाइस को इमरजेंसी इस्तेमाल में फास्ट चार्ज करना है, तो आप यहाँ पर एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपकी सिम सर्विस है, जो भी सारी सर्विस है, यहाँ तक कि ब्लूटूथ भी ऑफ हो जाता है एरोप्लेन मोड लगाने से। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें एरोप्लेन मोड लगा के मोबाइल को चार्ज करें इमरजेंसी इस्तेमाल में, एंड इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। दूसरी बात, आपको चेक करना है कि आपके डिवाइस पर ज़्यादा लोड तो नहीं है। आपको पता है आपका डिवाइस में हो सकता है रैम कम हो, 64 GB हो मेमोरी, एंड तो आपको करना है फालतू फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन आपको डिलीट करनी है, स्टोरेज को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एंड खाली रखना है, उस कंडीशन में आपकी चार्जिंग स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। दूसरी बात, अभी आपको पता है गर्मी का टाइम है, एंड इस चीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, गर्मी का टाइम हो या ठंड का टाइम हो, जब जब आपका डिवाइस ज़्यादा हीट होगा उस कंडीशन में आपका डिवाइस स्लो चार्ज होगा। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का टेम्परेचर कम हो, तभी मोबाइल को चार्ज पे लगाएं, उस कंडीशन में चार्जिंग स्पीड फास्ट होती है। अभी गर्मी का टाइम है, हो सकता है चार्ज ही ना हो रहा हो, क्योंकि किसी के नहीं होते, जो मोबाइल फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं उनके भी चार्ज हैं स्लो होने लगते हैं, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि हमारा ही मोबाइल खराब है, गर्मी के टाइम में ये होता है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। देन आपको आना नीचे, अब आपको करना, जैसे किसी किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया चार्जिंग स्पीड डाउन हो चुकी है, तो गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा, रेडमी के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ बग आ जाते हैं, जिस वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद आपका डिवाइस स्लो चार्ज हो रहा है, आपको करना देन नेक्स्ट अपडेट का वेट करना, हो सकता है वो बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से, आपका डिवाइस दोबारा से फास्ट चार्ज होने लगेगा, तो आपको इस चीज़ का वेट करना है। एंड अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं, हो सकता है आपको जाना है अपडेट वाले सेक्शन में, चेक करना कि आपको अपडेट हो रहा है, अगर हो रहा है तो देन आपको तुरंत ही अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपडेट करोगे, आपके बग हो सकता है फिक्स हो जाएं और प्रॉपर तरीके से आपका डिवाइस पहले की तरह फास्ट चार्ज होने लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप गेमिंग वगैरह करके आ रहे हो या कोई हैवी टास्क करके आ रहे हो अपने मोबाइल में, उस कंडीशन में आपका डिवाइस स्लो चार्ज होगा, क्योंकि आपकी बैटरी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, बैटरी का टेम्परेचर जब भी हीट होता है उस कंडीशन में आपका डिवाइस चार्ज या स्लो चार्ज होने लगता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपका ही नहीं सभी का। तो देन आपको वेट करना है मोबाइल ठंडा होने का, तभी चार्ज करना है। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैं गर्मी का टाइम आता है काफ़ी, एंड अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो गर्मी के टाइम में, आप पता नहीं इस वीडियो को कब देख रहे हैं, ठंड में देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, 2 साल बाद, 1 साल बाद। एक चीज़ ध्यान रखना, गर्मी का टाइम जब ज़्यादा हो और आपको अपने मोबाइल को फास्ट चार्ज करना हो, आपको करना है कोई भी अंगोचा वगैरह को गीला करके नचोड़ोगे, मोबाइल को लपेट के चार्ज करोगे, काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होता है, जो कि मैंने भी अप्लाई किया है, पूरी तरह से फास्ट होगा, कोई भी लोड नहीं होगा आपके डिवाइस पे, एकदम हमेशा मेमोरी को क्लीन रखो, फालतू की चीज़ों को डिलीट करके रखो, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पर यदि कुछ सेटिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, देन यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।